आपको बता दें, बरेली के थाना सिरौली क्षेत्र के गांव व्योधन खुर्द निवासी वर्षीय नरेश पुत्र राम भरोसे को रविवार को सुबह घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसके घर वालों ने बताया कि उनके गांव में स्थित मंदिर पर राम परिवार की प्रतिमाओं की स्थापना को लेकर धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है। रविवार की सुबह नरेश मंदिर पर जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रास्ते में ही जंगली आवारा सांड ने उस पर हमला कर दिया। उसके बाद महिला मोहन देई पर भी हमला कर दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है भूशंकर। आपके कौन है? हमारे भाई हैं। क्या नाम है उनका? नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बैदुन खुर्द। और? जिला बरेली। थाना? थाना सिरौली। क्या हुआ था सुबह के लिए? सुबह के लिए ये मंदिर पे जा रहे हैं, वहाँ श्री राम जी की स्थापना होने ही, बाकी बाद में वो सांड आया, उसने एकदम बलवा कर दिया इनके ऊपर। रास्ते में हमला कर दिया? हाँ। कहाँ लगा सिंह? सिंह लगो कोक में। हाँ। और किसकी चोट लगी? एक महिला आ रही, वे सिप्ता मौर्य की बहू है, उनको नाम है मोहनदेही, उनके भी चोट लगी है, वो बच गए, हैरा पर गिरी, वो तो भगवान ने बचा लेंगे। सांड किसी को पला हुआ है? सांड है, जंगली सांड है। हाँ। उसने हमला करा, करीब 6:45 7 बजे के आसपास की बात है। सांड पकड़ लिए? सांड के ताई अब तो हम तो जहाँ हैं, लोग जो कह रहे हैं टीम आइए। हाँ। अब ये ना पता कि पकड़ना आई है या नहीं आई है।